छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में बहस की समय सीमा 18 अक्टूबर तय कर दी है। इसके बाद सीजेआई के रिटायरमेंट से पहले फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। सीजेआई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए शनिवार को भी सुनवाई की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीयता के साथ जारी रहेगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा इस मामले में मध्यस्थता चाहते हैं। लद्दाख में पर्वतीय क्षेत्र में सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करने की मुहिम जारी है। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पूर्वी लद्दाख में सेना के युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भारतीय सेना के बेड़े में आधुनिक उपकरणों को शामिल किया जा रहा है। तो एक बार फिर से बता दें, अयोध्या के मामले पर बात करते हैं। ये अयोध्या का मसला अब उम्मीदें बहुत जग रही हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो लंबे वक्त से इस केस के सुलझने का अवसर खोजने की कोशिश कर रहे थे, विकल्पों पर विचार हो रहा था। अयोध्या केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बहस की समय सीमा 18 अक्टूबर तय कर दी है। और इसके बाद सीजेआई के रिटायरमेंट से पहले फैसले की उम्मीदें पर यही आदत है ना, चाहे शिवसेना हो बीजेपी हो, सुप्रीम कोर्ट को जाकर का ही आप ये बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन लोगों को, जाके सुप्रीम कोर्ट ने बात कहे तो आप कैसे मालूम सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगा? अभी तो सुनवाई चल रही है, कैसे मालूम एनडीए को और एनडीए के पार्टनर्स को कि इस तरह का फैसला आ जाएगा और वो ये सब कर लेंगे? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। जब लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट तय कर रहा है आपके साथ, आप तो तय नहीं करने वाले ना, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट देगा। हम मध्यस्थता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोर्ट ने जो निर्णय की बात कही है वो स्वागत योग्य कदम है। ऐतिहासिक ये काम हुआ, और भी जा करके जो आए पिछले दिनों थे इस काम को कर सकते थे। हम लोग बार बार इसी बात को कहते थे, 18 अक्टूबर तक जो उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई पूरी हो जाएगी जी। और इसके बाद 18 नवंबर के आसपास जजमेंट आ जाएगा, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके आगे तारीख बढ़नी नहीं चाहिए, जजमेंट रुकना नहीं चाहिए, कोई बाधा आनी नहीं चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने और संवैधानिक पीठ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो 25 दिन की हेयरिंग हुई है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है और वो इस मामले में अपना जजमेंट लिखना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्षकारों ने भी उसमें कॉपरेट करते हुए कहा है कि बाय 28 सितंबर वो इस मामले में हेयरिंग कंक्लूड करेंगे और अपने सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट सामने रखेंगे, जिसके बाद दशहरा वैकेशंस के बाद हिंदू पक्ष 5 दिन लेंगे इस मामले में रिजॉइंडर करने के लिए। तो मुझे लगता है बाय 18 अक्टूबर इस मामले में जजमेंट रिजर्व हो सकता है और देश के सामने विद इन 1 मंथ बिफोर 17 नवंबर फैसला आ सकता है। तरीका क्या इसमें स्पष्ट है, कोर्ट के अधीन है और सब जूरिस है मामला, और जो कोर्ट फैसला लेगा वो सर्वमान्य है, स्वीकार है। सर, लेकिन इससे पहले आप राजनीतिक पार्टियों की अगर बयान देखें, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पहली ईंट रखने के लिए तैयार हो जाएं शिवसैनिक, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो तारीख तक निकाल दी है कि नवंबर से जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा मंदिर बनने का, इन बयानों को कैसे देखें? नहीं, बयान इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, चुनाव आ रहे हैं, मगर ये मत स्पष्ट है, जो फैसला कोर्ट में से आएगा वो स्वीकार। हिंदुओं का बरसों बरस से ये कामना है कि कब हम प्रभु श्री राम का मंदिर बना पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुसंख्यक राम के भक्त को जरूर से जरूर मनोकामना पूर्ण होगा। हम उनके इस फैसले को खैर मकदम करते हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये एक टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें जो तय करी हैं, मुझे लगता है कि मुस्तकबिल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। जहां तक मीडिएशन की बात है, मीडिएशन कमेटी पहले भी उसने काम किया है, उससे पहले भी मीडिएशन कमेटीज़ रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर बातचीत के ज़रिए से अगर किसी इस मसले का हल अगर निकलता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन घोषित किया अच्छा किया, 130 साल बाद फाइनली जजमेंट आएगी और हम खुश हैं, हमारे पंच भी खुश हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मकसद जाहिर करते हुए इस बात को एलानिया इस बात को कह दिया है कि इसके आगे अब केस नहीं बढ़ेगा। जो लोग भागते थे उनके लिए ये बुरी खबर है और जो चाहते थे कि जल्द फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करके इसमें अपना फैसला दे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। और जो लोग समझौते की बात करते थे कि समझौता हो जाना चाहिए, कल तक ये बात चली है कि अगर के वक्त मिलता तो समझौता हो सकता था, तो उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। अरे भाई, अगर आप इस बात पर एग्री हैं कि वो जगह भगवान राम के जन्म स्थान है, वो हिंदुओं को वापस हो जानी चाहिए, तो समझौता